नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि आपको पता करनी है कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल। देखिए, अगर आपको सिंपल सा लॉजिक एक है कि अगर दो वेक्टर्स को इक्वल होना है तो उसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। परेशानी तब आएगी जब आपको वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन होगा। तो अगर आपको ये दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसा मैंने लिखा है, इनके इक्वल होने की क्या कंडीशन है जब वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन है? तो एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 और a3 इज इक्वल टू b3। और अगर आप इसके रेशियो की बात करें तो a1 upon b1 इज इक्वल टू a2 upon b2 इज इक्वल टू a3 upon b3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि दो वेक्टर्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है। सेकंड है कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। सेम ऐसे ही आपको मिले a1 इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, पैरेलल होने की कंडीशन ये है। देखिए, पैरेलल में क्या होता है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, ये भी एक पैरेलल की कंडीशन है। लेकिन ये पैरेलल इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। पैरेलल में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो कंडीशन यहां पर आएगी a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3 शुड बी लैम्डा, और ये लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ये पैरेलल की कंडीशन है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट है उन कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसको। तो पैरेलल होने की कंडीशन है 2 upon -4, डायरेक्शन भी आएगी 2 upon -4, 3 upon -6 और -1 upon -λ, ये इक्वल होने चाहिए। आप देखिए हर किसी से एक ही जैसा आंसर आ रहा है ना, यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 1 upon -2 इज इक्वल टू 1 upon λ, लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल होना है तो लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए -2। नोट करिए इसका। एक टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का जब भी आपको ये नाम आए तो इसका ये मतलब होगा कि एक अगर वेक्टर 3D में गिवन है तो उस वेक्टर का x, y और z एक्सिस के साथ एंगल आपको पता करना है। तो अभी आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया जाता है, मान लेते हैं वेक्टर है a इज इक्वल टू x i कैप, y j कैप, z k कैप, तो डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो आप लिखेंगे x upon √x² + y² + z². cos बीटा इज इक्वल टू y upon √x² + y² + z². और z एक्सिस के साथ एंगल होगा z upon √x² + y² + z². ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन अगर i, j, k के फॉर्म में आपको वेक्टर गिवन हो, इसमें देखिए बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, बस ये 3D फिगर है जो अभी थोड़ा सा वीडियो में बताना मुश्किल है, नहीं तो ये है बहुत आसान। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसको मैं समझा भी सकूं। देखिए, अगर हम 2D की बात करें, y और x ये एक वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट a, b, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, a i कैप b j कैप। आप बताइए अगर मैं एंगल यहां से पता करूं x एक्सिस के साथ तो आप cos अल्फा क्या बताएंगे, base upon a² + b² और अगर मैं यहां से बताऊं एंगल के y एक्सिस से कितना है तो देखिए आप क्या बोलेंगे,
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही 3D फिगर ड्रॉ करनी है रिजल्टेंट की और एक्स के साथ एंगल। तो हर बार आपको बेस और रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे यहां पर कंपोनेंट और रिजल्टेंट मिला, ऐसे ही अगर 3D फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो 3D फिगर में एक्स एक्सिस के साथ जो बेस होगा वो एक्स होगा और हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो रिजल्टेंट होगा, जैसे यहां पर मैंने एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम यही अप्रोच यहां पर लगेगी। तो एक्स के साथ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन रिजल्टेंट, वाई के साथ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वाई अपॉन रिजल्टेंट, और जेड एक्सिस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि जेड अपॉन रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये 2D के लिए बताना और समझना आसान है, 3D के लिए भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। जो वेक्टर है उसका एक्सिस के साथ एंगल बताएंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रखिए, जनरल फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम पर एक और कंडीशन आपको बताई जाती है जिसको हम लोग लामीज थ्योरम में पढ़ते हैं, कि अगर तीन वेक्टर्स हैं और उन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पर लिखी हुई है। तीन वेक्टर के इक्विलिब्रियम यानी कि तीन वेक्टर के रिजल्टेंट पे होने की कंडीशन क्या है, तो तीनों वेक्टर जिनका रिजल्टेंट या सम जीरो आना है उनको एक पॉइंट पर लगाइए। अगर ये तीनों फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये तीन वेक्टर है तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा। और ये इक्वेशन है वेक्टर अपॉन ये तीन वेक्टर के समेशन के जीरो होने की कंडीशन, या फिर इसको ज्यादातर पढ़ा जाता है कि अगर किसी पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं तो उन तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के जीरो आने की क्या कंडीशन होगी। देखिए, एक पॉइंट पर पी क्यू आर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और इनके ऑपोजिट एंगल पी के ऑपोजिट अल्फा, क्यू के ऑपोजिट बीटा और आर के ऑपोजिट गामा, तो ये कंडीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अपॉन साइन अल्फा, ऑपोजिट एंगल का साइन है, क्यू अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसका डेरिवेशन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि लामीज थ्योरम में तीन वेक्टर होते हैं, समेशन अगर जीरो है तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा। नोट करिए इसे। लामीज थ्योरम पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर बना हुआ मिला है, F1, F2, F3, ये तीनों के तीनों वेक्टर मिलके फोर्सेस मिलके रिजल्टेंट जीरो बना रहे हैं। F1, F2 आपको पता करना है, दो अननोन है, दो इक्वेशन होनी चाहिए। पहले हम लामीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखे, F1 अपॉन इसके ऑपोजिट ये एंगल है तो आप लिखेंगे साइन 135। इसके बाद F2 अपॉन साइन 135 और फिर F3 साइन 90। आप लोगों को साइन 135 जैसे आपने एंगल्स याद किए हैं, आप साइन 135 याद करिए, ये 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन 135 1/√2 यूज करना है। तो एक बार F1 को इसके साथ इक्वेट करिए क्योंकि F3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 10√2। ठीक है, तो एक बार हम पता करते हैं, F1 इज इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाय साइन 91 और साइन 135√2 कितना आ जाएगा 10। डन। और ऐसे ही अगर आप F2 पता करें तो 10√2 डिवाइडेड बाय 1 साइन 135 कितना आएगा √2, ये आ जाएगा वैल्यू 20, क्योंकि √2 √2 तो ये 20 न्यूटन और ये वैल्यू कितनी आनी है 20 न्यूटन। ठीक है, एक बड़ा छोटा सा एप्लीकेशन नोट करिए इसको।